अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो है क्रिएट डॉक्यूमेंट हमने देख लिए, फिर उसके बाद अप्लाई फीचर्स हमने देखा, फिर उसके बाद अप्लाई फॉर्मेटिंग फीचर्स भी हमने कल जो है इसके बारे में डिस्कस किए थे। अप्लाई फॉर्मेटिंग फीचर्स बहुत सारे फीचर्स हैं, और आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टास्क रहेगा वो क्रिएट एंड वर्क विथ टेबल्स, इसके साथ हमको काम करना है। यानी अब इसके बाद हमारा बच जाएगा यूज प्रिंट ऑप्शन, देन लास्ट में अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द मेल मर्ज। यानी चैप्टर थोड़ा लंबा है और सारे जो टॉपिक है सारे जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द यूनिट थर्ड, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इन साइड दिस चैप्टर टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्रिएटिंग एंड वर्क विथ टेबल्स। ठीक, सो इन साइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी के अंतर्गत। तो थ्योरी में हम आज डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग टेबल इन वर्ड प्रोसेसर, कि वर्ड प्रोसेसर में हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद इंसर्टिंग रो एंड कॉलम्स इन टेबल, कि टेबल में आप रो एंड कॉलम कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद डिलीटिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कैसे किया जा सकता है। स्प्लिट एंड मर्ज टेबल पढ़ेंगे, क्या होता है स्प्लिटिंग और मर्ज। फिर देन उसके बाद डिलीट ए टेबल, कॉपी ए टेबल, मूविंग ए टेबल, इस तरीके से ये थ्योरी का पार्ट्स रहेगा। वही अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो सबसे पहला पार्ट रहेगा, हमको क्या करना है, सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है। उसके अंतर्गत जो है नए रोज एंड कॉलम इंसर्ट करके देखना है, डिलीट करके देखना है होता है कि नहीं। फिर उसके बाद स्प्लिट एंड मर्ज टेबल, कि आप दो एक टेबल को टू और मोर टेबल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और टू टेबल्स को एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। देन उसके बाद डिलीट ए टेबल, टेबल को कैसे डिलीट किया जा सकता है। और लास्ट टॉपिक रहेगा कॉपी एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आप टेबल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैसे ले जाया जा सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट जो है एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यानी लिब्रर ऑफिस राइटर ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेबल क्या होता है। तो टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टेबल एक्चुअल में होता क्या है। इन ए डॉक्यूमेंट नॉर्मली सीन दैट द सम डाटा आर रिप्रेजेंट इन द टेबुलर फॉर्म। जब आप क्या करते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे रहते हैं जिसको टेबुलर फॉर्म में आप देखते हैं। ठीक, सो विद द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डाटा एंड कीप इट अंडर वन हेडिंग, जिसमें क्या होता है आप अगर देखेंगे डाटा, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट पीरियड, जैसे मैं एक टाइम टेबल यहाँ पे एक टेबल शो हो रहा है आपको, तो टाइम टेबल में क्या पता चल जाता है कि एक टेबुलर फॉर्म में है जिसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। में आपको बता देता हूँ कॉलम क्या होता है, जैसे यहाँ पे डेट पीरियड फिर 1 2 3 4 5 लिखा है, ये क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। ठीक, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, ये कॉलम कहलाएंगे। देन उसके बाद ये वाले जो लाइंस है जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ऐसे अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहलाएंगे, रोज कहलाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेबुलर एक्चुअल में टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, द रिप्रेजेंट द डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड ए टेबल। जब हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो फॉर्मेट होता है वो क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। टेबल हैज ए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यही चीज बताया हूँ कि आपके टेबल जो है वो किससे मिलकर बना रहता है, कॉलम से, ये वाला जो है कॉलम से, और ये रो के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, टेबल बनेगा। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हैव ए टेबल विद द वन रो एंड वन कॉलम। आप जो है हर एक टेबल का जो हर एक रो एंड कॉलम रहता है वो क्या कंसिडर करता है, हर एक एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को कंसिडर करता है। कंसिडर एज ए एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूअर स्कूल टाइम टेबल, जैसे आपने स्कूल का टाइम टेबल देखा है तो वो भी एक टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें हमको पता चल जाता है, जब हमको फर्स्ट पीरियड के बारे में देखना है तो हम क्या करते हैं, सीधा एक एक कॉलम को देखते हैं, तो हमको उसके बारे में क्या पता चल जाता है, डिटेल पता चल जाता है कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कौन से दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ से हम देख के क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो है कौन से दिन कौन सा हमारा टाइम टेबल के हिसाब से क्या है सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो टेबल क्या रहता है, एक्चुअल में रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ आ गया कि टेबल होता क्या है। तो टेबल के कई सारे फीचर्स होते हैं, तो चलिए हम एमएस वर्ड जो लिब्रर ऑफिस राइटर है उसके अंतर्गत टेबल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल दिए गए हैं। तो सबसे पहला चीज हम करना है क्रिएट ए टेबल।
कि टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने का दो तरीके हैं, टू वे से हम क्या कर सकते हैं टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट वे है जो बहुत ही सिंपल है, वो होता है, मैंने बताया था कि सबसे ऊपर में यहाँ पे रहता है ये टाइटल बार, देन मेन्यू बार, मेन्यू बार के बाद ये स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। मैं बार बार रिवाइज इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत जाएंगे तो जहाँ पे भी आपको टेबल चाहिए, देखिए टेबल जब चाहिए रहता है तो हमारा जो माउस का जो कर्सर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक। तो टेबल जब बनना चालू होगा जहाँ पे माउस का कर्सर रहेगा वहाँ पे टेबल क्रिएट होना चालू होगा। तो हमारा माउस का कर्सर उस पोजिशन पे होना चाहिए जहाँ पे हमको टेबल क्रिएट करना है। तो हमारा माउस का कर्सर यहाँ पे, हम चाहते हैं थोड़ा आगे करना चाह रहे हैं तो हम टैब से आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ टेबल कहाँ पे क्रिएट हो, यहाँ से क्रिएट होना चालू हो। तो यहाँ पे गया मैं, फिर देन उसके बाद जाऊंगा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत दिख रहा है इंसर्ट टेबल, ठीक। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ राइट साइड के जो एरो दिख रहा है वहाँ पे, फिर मेरे को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें आपको एक प्रीव्यू शो हो रहा होगा, ब्लू कलर का जो प्रीव्यू है कि यहाँ पे आप क्या लेना चाह रहे हैं, कि नंबर ऑफ कॉलम कितना लेना चाह रहे हैं। तो कॉलम 7 एंड रोज क्या है 5 है। तो आप जितना जैसे चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि क्या रहे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या रहे 8 रहे, और नंबर ऑफ रोज क्या रहे 4 रहे। तो यहाँ पे क्लिक बस करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू में जैसे ही जाके हम क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली टेबल क्या हो जाता है यहाँ पे ड्रा हो जाता है। तो इस तरीके से टेबल क्रिएट करने का पहला तरीका हमने क्या देखा कि हमने गए कहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको इंसर्ट टेबल का, तो वहाँ से हम टेबल क्रिएट किया जा सकता है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू। एक सेकंड ऑप्शन भी है जहाँ से हम टेबल क्रिएट किया जा सकता है। अब देखिए आप भी चाहें तो ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक। अभी हम देखेंगे, पूरा मेन्यू देख लेते हैं, फिर एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे। जैसे टाइम टेबल बना हुआ है सेम वैसे क्या करेंगे हम टेबल क्रिएट करके देखेंगे। देन दूसरा सेकंड वे है जहाँ से आप टेबल क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हो। मैं नीचे चाहता हूँ यहाँ पे टेबल क्रिएट हो, तो जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे आपको क्या लाना पड़ेगा, माउस का कर्सर को लाना पड़ेगा। देन फिर दूसरा तरीका जहाँ से आपको क्या करना है टेबल क्रिएट करना है, तो हमको जाना पड़ेगा इंसर्ट यहाँ पे मेन्यूज बार में। मेन्यू बार में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मेन्यू शो हो रहे होंगे, जिसमें एक मेन्यू है आपका टूल्स, ठीक, टेबल। तो टेबल में जाने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है आपको, सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है क्या का कि टेबल का, ठीक, टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट में टेबल में हम क्लिक करते हैं तो एक हमारे सामने एक टेबल क्रिएट करने का विजार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक। तो टेबल विजार्ड ये ओपन हो गया, यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है टेबल का नेम भी आप दे सकते हैं। पहला जो टेबल बना उसका टेबल 1 है, आप चाहो तो इस टेबल का नेम दे दिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे इस टेबल का नेम दे दे रहा हूँ कि टेबल का नेम दे दे रहा हूँ क्लास 9, ठीक, क्लास 9 करके टेबल का नेम दे दिया। देन उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो इस टेबल में आप नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो कॉलम रहेगा वो कितना रहेगा। नंबर ऑफ कॉलम दे देते हैं यहाँ पे 8, और नंबर ऑफ रोज दे देते हैं यहाँ पे 5, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कितना कॉलम लिया जा सकता है। जैसे ये कॉलम है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, और यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू शो हो रहा है कि अभी जो टेबल क्रिएट होगा किस तरीके से होगा, ठीक। यहीं पे अगर हम देखते हैं कुछ स्टाइल्स यहाँ पे देखते हैं, आपको शो हो रहा होगा, तो स्टाइल में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल का मेन्यू आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट एक नॉन है, अभी हम डिफॉल्ट स्टाइल करते हैं तो ऐसे बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। फिर उसके अलावा जो है एकेडमिक, तो इस तरीके से आपका टेबल बन जाएगा। फिर उसके बाद बॉक्स लिस्ट, तो इस तरीके से टेबल आपको एक प्रीव्यू शो हो रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट, आप लिस्ट ग्रीन, रेड, येलो, तो जैसा आप टेबल चाहते हैं वैसा आप क्या कर सकते हैं टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप टेबल कैसे चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ से मैं ले ले रहा हूँ बॉक्स लिस्ट रेड, देन इंसर्ट कर देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक टेबल क्या हो गया, टेबल ड्रॉ हो गया, आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि मेन्यू के थ्रू भी आप टेबल क्रिएट किया जा सकता है। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे टेबल से रिलेटेड चेंजमेंट, आप चाहते हो टेबल का भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। तो टेबल को बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा टेबल प्रॉपर्टीज। तो टेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या दिया हुआ है,
टेबल प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो बैकग्राउंड दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, आप बॉर्डर का थिकनेस बढ़ाना चाहते तो भी कर सकते हैं, ठीक। कॉलम चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम आपको दिख रहा होगा, कितना कितना का गैप रहेगा कॉलम में। टेक्स्ट फ्लो, कि टेक्स्ट का फ्लो कैसे रहेगा। टेबल, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमने टेबल जो है क्रिएट कर लिया। बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हैं तो जाएंगे बैकग्राउंड में, देन यहाँ पे कलर मिल जाएगा। कलर में जाने के बाद जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करेंगे, देन जाके आप क्या कर देंगे, ओके करेंगे। तो ओके करेंगे तो आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड। तो इस तरीके से टेबल प्रॉपर्टीज में जाके हम टेबल से रिलेटेड कुछ चेंजमेंट किया जा सकता है, जिससे हमारा जो टेबल जो क्रिएट किए हैं वो क्या हो पाए, उसमें कलर चेंज करना है या कुछ और ऑप्शन यूज करना है, वो इजिली हम उसको अप्लाई किया जा सकता है। अब इसी का एक हम शॉर्टकट की देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर जहाँ पे आपका शॉर्टकट की पूछा जाता है, तो इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की होता क्या है। तो इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की, यहाँ पे हम एक थर्ड टेबल क्रिएट करके देखते हैं वो किसके थ्रू, शॉर्टकट की के थ्रू। तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F12, Ctrl+F12। देखिए यहाँ पे भी आप जाएंगे टेबल में, इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की मेन्यू आपको शो कर रहा है, कि Ctrl+F12 में आप क्लिक करते हैं तब भी क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जाके हम Ctrl+F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल में नंबर ऑफ कॉलम हम उतना ही ले लेते हैं 8, एंड यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज 4, और इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं, नो कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक और टेबल क्रिएट हो गया जिसमें अभी बॉर्डर नहीं लगाया क्योंकि हमने वहाँ पे नॉन लिया था, ठीक। तो एक बॉर्डर आपको ऐसे ही दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ये बॉर्डर का कोई कलर नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आप जो है कैसा आपका रिक्वायरमेंट है, आप किस हिसाब से टेबल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे स्कूल में जो है क्या क्या क्रिएट किया जाता है, जैसे ग्रुप क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे क्लास लिखा जा सकता है, स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लिखा जा सकता है, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। फिर अलग अलग ग्रुप को आप यहाँ पे चाहते हैं इसको रेड करना है, तो यहाँ से जाके आप क्या करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे कलर ले लेंगे, जिसको ग्रुप रेड रहेगा उसको रेड करना है तो ओके कर देंगे तो रेड हो जाएगा। सेकंड ग्रुप ग्रीन रहेगा तो ये ठीक है आप चाहते हो। थर्ड ग्रुप जो है येलो रहे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ से येलो ले लेंगे। फिर उसके बाद येलो ग्रीन और ब्लू रखना है आपको तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कलर में जाएंगे और यहाँ से इसको ब्लू ले लेंगे। तो इस तरीके से हम टेबल अगर चाहते हैं तो कलरफुल टेबल भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप किस रीजन से आप क्या कर रहे हो, टेबल क्रिएट किया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पेटिकल है वो इंसर्ट टेबल, सेकंड जो पेटिकल है वो इंसर्ट रो एंड कॉलम। अब सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम लिए हैं वो लिए हैं 8 और नंबर ऑफ रोज लिए हैं 4। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रोज जो है वो क्या करना चाह रहा हूँ, एक रो और क्रिएट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, या फिर यहाँ पे 8 है वहाँ पे 9 कॉलम करना चाह रहा हूँ। यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करना चाह रहे हो, रोज या कॉलम को इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब जितने भी ऑप्शन आएंगे वो आएंगे मेन्यूज के थ्रू। हम चाहते हैं क्या करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेबल क्रिएट करना हम नया जो है यहाँ पे क्या डालना चाह रहे हैं, रो डालना चाह रहे हैं, ठीक। तो रो डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 है। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक जो है वैल्यू लिख दिया रहता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। 5555 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों लिखा, ताकि आपको समझ आए। तो इसके बाद हम जाएंगे, देखिए अभी मैं यहाँ पे रोज जो है इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ पे रोज दिख रहा होगा आपको 4, मैं एक रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो टेबल में जाऊंगा, टेबल में जाने के बाद इंसर्ट में जाऊंगा, और इंसर्ट में जाने के बाद ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आते हैं कि रो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एबव चाहते हैं कि बिलो। एबव का मतलब कि आपने जो ये वैल्यू लिखा है 5555 उसके ऊपर आना चाहिए वो जो रो है, या फिर उसके नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि हम दोनों ऑप्शन यूज करके देखते हैं, इंसर्ट टेबल में गए, देन उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में, एक यूज करता हूँ एबव। एबव किया तो देखिए पहले इसके एबव में केवल एक ही टेबल एक ही रो था, तो एक क्या हो गया, एक जो है इंक्रीज हो गया। आप चाहते बिलो तो यहाँ से इंसर्ट में टेबल्स में जाएंगे, देन इंसर्ट में जाएंगे और बिलो में जाएंगे, तो पहले 2 था तो इसके नीचे एक और क्या आ गया, एक रो जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे चाहिए। सपोज यहाँ पे मेरे को और एक कॉलम चाहिए, ठीक,
तो जहां पे चाहिए वहां पे आपको रहना है, देन उसके बाद क्या करना है, टेबल में गए, अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अभी कॉलम, तो यहाँ पे बिफोर यूज करेंगे, तो बिफोर यूज करते हैं तो इससे पहले कॉलम आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप कॉलम क्या कर सकते हैं, कॉलम आप उसके आफ्टर चाहते हो तो आफ्टर भी किया जा सकता है, टेबल में गए देन इंसर्ट में गए फिर उसके बाद आफ्टर यूज करेंगे, तो ये जो आपने जिस कॉलम को सेलेक्ट किया है उसी पैटर्न में उसके आफ्टर और बिफोर भी क्या किया जा सकता है कि एक नया कॉलम जो है इंसर्ट किया जा सकता है। तो देखिए एक नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया, 8 थे वो 10 हो गए। तो इस तरीके से आप कॉलम को क्या किया जा सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज को इंक्रीज किया जा सकता है और डिक्री। अब इससे हम देखें कि हमने कॉलम और रोज कैसे इंसर्ट करना हम आसानी से किया जा सकता है। कॉलम का तो जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, कॉलम का यहाँ पे भी मैं एक वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक। वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए। अभी यहाँ पे केवल जो है किसी और कॉलम को ले लेता हूँ, जैसे ब्लू एक कॉलम है, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 6666, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ आए। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया, वैल्यू लिखने के बाद इसका कलर कर दे रहा हूँ, इसमें कलर कर देता हूँ, या इसको सेंटर, तो ये आपको दिख रहा होगा 6666, ठीक से नहीं दिख रहा है, रुक जाओ दूसरा कलर, चलिए ये दिख रहा होगा, ठीक 6666। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके राइट में कोई, अगर आप चाहते हैं कॉलम इंसर्ट करना चाह रही है, कॉलम कहलाता है, ठीक, तो इसको कॉलम बोला जाता है, तो आप इसके राइट साइड में अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आपको इस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी उस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे वाला हिस्से को पार्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे माउस का कर्सर दिख रहा होगा, ठीक, माउस का कर्सर आपको शो हो रहा होगा, तो इस तरीके से आप कहीं पे भी रह सकते हैं, और उसके बाद जाना है आपको टेबल में, लेकिन उसी कॉलम में होना चाहिए जिसके आगे या पीछे आपको चाहिए, मेरे को अभी राइट साइड में चाहिए, देन उसके बाद जाऊंगा टेबल में, टेबल में जाने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट यहाँ पे मेरे को चाहिए कहाँ पे, बिफोर चाहिए कि आफ्टर चाहिए, ठीक है, बिफोर का मतलब आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड और आफ्टर का मतलब मिल जाएगा आपको राइट साइड, तो राइट साइड मेरे को चाहिए तो यहाँ पे राइट साइड में आ गया, ठीक। अगर यही मेरे को किस में चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बिफोर यूज करेंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे एंड बिफोर यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है, जैसे आप टेबल में रो इंसर्ट करते हैं सेम तरीके से आप वहां पे आप जो है रो कॉलम भी इंसर्ट किया जा सकता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। आपको कॉलम जरूरत है तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट करना है तो रो इंसर्ट किया जा सकता है। समझ आया इतना? यस सर सबको आ गया कॉलम एंड रो कैसे इंसर्ट करते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं, डाउट होगा तो एक बार फिर पूछोगे तो फिर बता दूंगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं आना चाहिए कि आप नहीं हो पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं फिर, समझ आ गया ना? यस सर चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा है वो है कि इंसर्ट। अब इसके बाद आते हैं इंसर्ट, तो हमने कर लिया, अब आते हैं डिलीट रोज एंड कॉलम, कि हम रोज एंड कॉलम को कैसे डिलीट किया जा सकता है। जैसे हमने इंसर्ट किया, ठीक, जिस टेक्निक से हमने क्या किया है, टेबल के अंदर हमने कॉलम इंसर्ट किया है, वहीं पे ऑप्शन आता है कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक। तो डिलीट करने का तरीका क्या होता है, तो डिलीट करने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि इसको जिसको भी, जैसे मैं चाहता हूँ इस कॉलम को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन जाना पड़ेगा टेबल में। टेबल में जाने के बाद देखिए मेरा माउस का कर्सर आपको दिखना चाहिए कहाँ पे है, ये वाले जो है 6666 यहाँ पे है, मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो टेबल में जाऊंगा, टेबल में जाने के बाद डिलीट ऑप्शन, डिलीट में जाने के बाद अभी मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ कि अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम कर दूंगा, तो वो जो कॉलम कॉलम था जिसमें 6666 लिखा था वो डिलीट हो गया। वैसे ही आप चाहते हैं रो को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये वाले रो को डिलीट करना चाह रहे हैं 5555, आप जाएंगे टेबल में, टेबल में जाने के बाद यहाँ पे डिलीट, और डिलीट में अभी ये क्या है, रो है, तो यार रो को डिलीट कर सकते हो। आप चाहते हो कि जिस भी कॉलम को या जिस भी रो को आप डिलीट करना चाह रहे हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और देन जाना पड़ेगा टेबल में, टेबल में जाने के बाद डिलीट एंड डिलीट कॉलम,
तो इस तरीके से एक बार में आप चाहो तो मल्टीपल रोज को भी डिलीट कर सकते हैं या मल्टीपल कॉलम को भी डिलीट किया जा सकता है। जैसे मैं ये चाहता हूँ येलो वाला और ये ग्रीन वाला दोनों जो कॉलम है इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जाऊंगा टेबल में, टेबल में जाने के बाद मेरे को मिल जाएगा डिलीट। डिलीट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, अभी मेरा जो है टू कॉलम्स को डिलीट करना है तो कॉलम में क्लिक कर दूंगा, तो येलो वाला और ग्रीन वाला जो कॉलम था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। वैसे ही आप चाहते हो मल्टीपल जो है रोज को डिलीट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं ये दोनों रो को डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट आप जाएंगे टेबल में, टेबल में जाने के बाद डिलीट, और डिलीट के जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रोज को डिलीट करना है तो रो डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम को भी एट ए टाइम जो है बहुत सारे कॉलम को भी डिलीट किया जा सकता है, रो को भी डिलीट किया जा सकता है। ठीक, तो अब एक चीज यहाँ पे और देख लो, जैसे आपको कॉलम का लेंथ जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉलम है इतना बड़ा है, ठीक, ये वाला कॉलम इतना बड़ा है, आप इसको बड़ा छोटा भी किया जा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है इसके लेंथ को, विथ को, यहाँ से आप चाहो तो इसके साइज को छोटा किया जा सकता है। कहीं पे आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है तो आप उसका साइज को क्या किया जा सकता है, बड़ा छोटा, जैसे भी यहाँ पे आपको कंट्रोल मेन्यू मिल जाएगा, आप माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो ऐसा एक सिंबल आ जाएगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो जो कॉलम का साइज है या रो का साइज है उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज किया जा सकता है इस तरीके से। तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो है, अभी हमने तीन चीज देखा है कि हमने टेबल क्रिएट करके देखा, टेबल के अंतर्गत हमने क्या किया कि टेबल में रो एंड कॉलम इंसर्ट करके देखा, फिर उसके बाद रो एंड कॉलम को डिलीट करके भी देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, स्प्लिट एंड मर्ज टेबल। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हम समझ लेते हैं स्प्लिट और मर्ज क्या होता है। यहाँ पे मैंने जो है टेक्स्ट लिख के रखा है, इसको आप इसके बारे में पढ़ते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि वन टेबल कैन बी स्प्लिट इंटू टू टेबल्स, जब आप एक टेबल को टू और मोर टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये टेबल है, मैं इसको दो टेबल में डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, स्प्लिट कहलाएगा। ठीक, स्प्लिटिंग का मतलब व्हेन वी कन्वर्ट वन टेबल टू टू और मोर टेबल्स, जब हम एक टेबल को एक या अधिक से टेबल में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्प्लिटिंग टेबल। और देन उसके बाद दिया है मर्जिंग टेबल, मर्जिंग टेबल का मतलब होता है टू टेबल्स आर मर्ज इन टू द सिंगल टेबल, दैट इज कॉल्ड द मर्ज टेबल, जब हम दो टेबल जो रहेगा उसको क्या करेंगे, एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के रिक्वायरमेंट के या डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करने की जरूरत होती है कि आप टेबल को कई सारे मल्टीपल जो है कॉलम्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, तो स्प्लिट और मर्ज के थ्रू क्या किया जा सकता है, टेबल को टू और मोर टेबल्स में या फिर टू टेबल्स को वन टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल से आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे मेरे अभी जो है यहाँ पे, अभी ये जो है टू जो है रोज है और इसमें फोर कॉलम्स है, मैं इसको चाहता हूँ दो टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी 20 से टेबल को तोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक, क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में मैं सेलेक्टेड हूँ जहां से आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, अलग करना है। देन उसके बाद टेबल में जाऊंगा, टेबल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट टेबल का। ठीक, तो स्प्लिट टेबल आप क्या चाहते हो, देखिए स्प्लिट टेबल में जाते हो तो आप एक दो ऑप्शन आता है, एक तो आता है कि आप कॉपी हेडिंग, हेडिंग कॉपी करना चाह रहे हो, यानी इसका जो हेडिंग है इसको कॉपी करके एक नया, यानी ये टेबल सेम रहेगा, इसका जो हेडिंग यानी ऊपर वाला ही हेडिंग कहलाता है, तो हेडिंग को कॉपी करके एक नया टेबल क्रिएट करना चाह रहे हो, या फिर कस्टम हेडिंग क्रिएट करना चाह रहे हो, या फिर कस्टम हेडिंग यहाँ पे देखिए अप्लाई अप्लाई स्टाइल, यानी अप्लाई स्टाइल करके आप कस्टम हेडिंग बनाना चाह रहे हो, या फिर कस्टम हेडिंग, या फिर नो हेडिंग। तो अभी जो है मैं कॉपी हेडिंग यूज करके देखता हूँ, ओके करता हूँ, तो आपको देखिए मैं बताया था कि ये जो ऊपर का जो जो आपका जो क्या है टेबल है उसका एक कॉलम क्या हो गया, ऊपर में जाके एक नया रो जो है क्रिएट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल का ऊपर का जो हेडिंग है इसको क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे और आता है स्प्लिट के अंतर्गत, जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ रोज क्या हो जाए, यहाँ पे मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे टेबल में जाऊंगा, देन उसके बाद चला जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल से क्या होगा, अभी मैंने यूज किया था स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल से क्या होगा, सेल स्प्लिट हो जाएगा, यानी सेल जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे यूज पूछ रहा है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैं बोल रहा हूँ टू,
तो आप देखेंगे वही जो जो एक जो क्या था, कॉलम का एक जो पर्टिकुलर रो था, वो क्या हो जाएगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो कहीं पे आपको जरूरत पड़ता है, जैसे ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे को क्या किया गया, एक ही क्या बनाया गया, एक पर्टिकुलर जो है क्या बनाया गया, टेबल बनाया गया है। तो ये डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को क्या करना चाहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, मैं जैसे ये वाले को दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ या थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, इस वाले जो टेबल का जो पार्ट है या कॉलम है उसको सेलेक्ट करूंगा, देन जाऊंगा टेबल में, टेबल में जाने के बाद जाऊंगा स्प्लिट सेल, कि यहाँ पे आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको चाहता हूँ थ्री पार्ट्स में, तो ओके कर दूंगा, तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपके डिपेंड करता है कि आप जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कैसे स्प्लिट करना चाह रहे हैं, कि आपको कि टेबल को स्प्लिट करना है, अदरवाइज वो पर्टिकुलर जो रो का एक जो पार्ट है उसको स्प्लिट करना है, ये भी किया जा सकता है, ठीक। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कहीं पे आपने कुछ भूल गया या फिर कुछ ऐड और करना है, दो चीज लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है, एक में आपको लिखना है पास और एक में लिखना है आपको फेल, ऐसा अगर कहीं पे यूज डिपेंड करता है कि आप जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, स्प्लिट सेल भी किया जा सकता है और स्प्लिट क्या किया जा सकता है, टेबल को भी स्प्लिट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। चलिए अब यहीं पे देख लेते हैं मर्ज। तो मर्ज के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मर्ज का मतलब होता है कि टू टेबल्स को हम क्या करते हैं, एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ इंसर्ट, यहाँ पे गया टेबल और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट करता हूँ, फाइव फाइव रोज एंड फाइव कॉलम्स, ठीक। और उसी के नीचे एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे में, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ये भी सेम रहेगा, 5 × 5, दो टेबल है। अब दोनों टेबल को मेरे को सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना है। अब दोनों टेबल को क्या करना है, ऐड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपके जो है लिबरल ऑफिस राइटर के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, दो टेबल को इजीली आप क्या कर सकते हो, सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो टेबल के बीच का जो स्पेस रहता है, यहाँ पे जो स्पेस है आपको दिख रहा होगा, वो स्पेस में आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है डिलीट की। डिलीट जब हम प्रेस करते हैं तो वो नीचे वाला टेबल ऊपर आता है, फिर डिलीट प्रेस करेंगे, दोनों के बीच का जो स्पेस रहेगा वहां पे हमको क्या यूज करना है, डिलीट। और जैसे ही मैं ये डिलीट करूंगा, ये दोनों टेबल क्या हो गए, मर्ज हो गए, एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो जो डिफरेंट टेबल को आप एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से देखिए, मैं यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक कर लेता हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो यहाँ पे डिपेंड नहीं है, मैं यहाँ पे 8 × 4 कर ले रहा हूँ। नीचे जो है फिर वही सेम टाइप का टेबल होना चाहिए। देखिए आप जब स्प्लिट करते हो तो टेबल, जब आप मर्ज करते हो तो वहां पे नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, लगभग इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा, मर्ज हो पाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों टेबल के बीच में जो स्पेस है वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको अपना जो माउस का कर्सर है उसको ले जाना है। कर्सर जाने के बाद आपको डिलीट प्रेस करना है, तो ये नीचे वाला टेबल ऊपर आएगा और ऊपर आते आते एक ऐसा पोजिशन आएगा जब दोनों टेबल क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट टेबल को आप क्या कर सकते हैं, सिंगल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा कि टू डिफरेंट टेबल को आप कैसे क्या कर सकते हैं, मर्ज किया जा सकता है। तो इस तरीके से सिंपल वे से आप क्या कर सकते हो, दो टेबल को मर्ज किया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ऑप्शन है वो है डिलीट अ टेबल। टेबल को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट करना है, जैसे कहीं पे भी टेबल है, अगर मैं यहाँ पे जाके माउस से डिलीट प्रेस करता हूँ तो डिलीट नहीं होगा, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा तो डिलीट नहीं होगा। देखिए मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट प्रेस कर रहा हूँ लेकिन डिलीट नहीं होगा। तो डिलीट करने का तरीका क्या होता है, तो टेबल को डिलीट करना है तो टेबल के किसी भी पोजिशन में, जैसे ऊपर मैं यहाँ पे टेबल बनाया है, ये टेबल के किसी भी पोजिशन में आपको रहना है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक। फिर उसके बाद जाऊंगा टेबल में, टेबल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट का, जहां से हमने रो एंड कॉलम को डिलीट किया था वहीं पे ऑप्शन आ जाता है टेबल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को डिलीट किया जा सकता है। कहाँ पे जाना है, किसी भी टेबल को सेलेक्ट करो, किसी भी पोजिशन में रहो, टेबल में गए, देन डिलीट में गए और डिलीट के अंतर्गत टेबल डिलीट करना है, टेबल में क्लिक कर देंगे। फिर वैसे हम यहाँ पे इस वाले टेबल को डिलीट करना है, कहाँ पे जाएंगे, टेबल में जाएंगे, देन यहाँ से हम चले जाएंगे डिलीट टेबल,
तो इस तरीके से आप टेबल को क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो ये यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि टेबल बनाते हैं तो कहाँ पे उसको टेबल को नहीं रखना है या कुछ करना है, टेबल गलत बन गया तो इस तरह कंडीशन में वो टेबल को क्या कर सकता है, वहां से परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। तो ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज कॉपी एंड मूविंग टेबल इन वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। हमको क्या करना है, इस टेबल को, जैसे अभी हमारा ये वाला जो टेबल है, ये जो है कौन से पेज नंबर है, पेज नंबर टू में आपको दिख रहा होगा कि ये पेज नंबर वन हुआ, पेज नंबर टू हुआ, ठीक। वैसे यहाँ पे पेज नंबर थ्री है, पेज नंबर फोर है। तो ये जो है टेबल जो बना हुआ है वो पेज नंबर कहाँ पे है, ये पेज नंबर टू में। हमको इस टेबल को क्या करना है, यहाँ से हटा के, देखो कट का आप जानते हैं, कट का मतलब क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। तो ये सेम ऑप्शन यहाँ पे भी यूज करना है, जब भी आपको किसी टेबल को क्या करना है, मूव करना है वन प्लेस टू अनदर, तो हम किसका यूज करेंगे, कट का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है कि आप टेबल में गए और यहाँ से ड्रैग करके, जैसे माउस से आप एक बार क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद ड्रैग करके पूरे जो सेल जो उसके टेबल है उसके पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स, आप चाहो तो राइट क्लिक करके कॉपी कट करके भी ले जा सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट जो पेज है वहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, तो जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो कंट्रोल प्लस वी से। तो इस तरीके से हम टेबल को कहाँ पे था, जो सेकंड पेज में था, उसको कहाँ पे ला लिए, फर्स्ट पेज में ला लिए। तो इस तरीके से हम टेबल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सकते हैं, मूव किया जा सकता है। अब ये जो सेकंड, उसके बाद है कॉपी करना। कॉपी का मतलब होता है कि अब मल्टीपल कॉपी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे ये जो है ये क्या है, अभी एक ही कॉपी है, ठीक, एक ही टेबल, मैं इसी टेबल को सेम टू सेम टेबल और नीचे बनाना चाह रहा हूँ। क्या करूंगा, इस टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, ठीक, कंट्रोल प्लस सी से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आप जहां पे भी चाहते हैं उतने टेबल आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी, फिर उसके बाद कंट्रोल वी, तो इस तरीके से मैं मल्टीपल टेबल क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। तो कॉपी करके पेस्ट करने से क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे है और आप दूसरे लोकेशन पे भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपी क्रिएट किया जा सकता है। जबकि कट से क्या होता है, जब मैं इसी को कट करूंगा तो कट से क्या होगा कि ये इस प्लेस में है वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। देखिए यहाँ से हट गया, अब उसके बाद इसको आप जिस प्लेस में ले जाना चाहते हैं वहां पे कंट्रोल वी करेंगे। तो कट करके कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रहा है, जबकि कॉपी करके पेस्ट करने से क्या हो रहा है, दोनों प्लेस में आपका जो कंटेंट है वो बना हुआ है, यानी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट किया जा सकता है, जैसे फोटो कॉपी हम करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।